Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 30 for 30 Ramadan Special 12th Day Gem Time. Aaj ki aham soch neki. Forgive and overlook. Afwo darguzar. Agar kisi se koi galti ho jaye, to wusat-e qalbi ka muzahira karte hue maaf kar dena. Nihayati buland akhlaqi wasf, jisme ambiya ko mumtaz maqam hasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki puri zindagi afwo darguzar ka behtareen namuna. गंदगी और कीचड़ फेंकने वालों पर मुश्क और अंबर छिड़कते रहे. जख्मी करने वालों के लिए दुआए रहमत. आपने बुराई का जवाब भलाई से दिया, गाली का जवाब मुस्कुराहट से, और गलती करने वालों को हमेशा के लिए माफ कर दिया. कुरान में माफ करने के 3 दर्जे हैं. अपने गरेबान में झांकिए और जायजा लीजिए कि आप कहां पे खड़े हैं. फरमाया, व इन ताफू, और अगर तुम माफ कर दो. व तस्फहू, और दरगुजर से काम लो. व तगफिरू, और पर्दा पोशी करो. फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है. पहला दर्जा है गलती का बदला ना लेना, ताफू. दूसरा दर्जा है गलती का एहसास भी ना होने देना, दिल से डिलीट कर देना. यह है तस्फहू, कम लोग ये करते हैं. और तीसरा दर्जा है गलतियों की पर्दा पोशी करना, तगफिरू. रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा 3 दिन मसलसल एक अंसारी सहाबी के बारे में फरमाया कि वो जन्नती हैं. अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हो बहाने से 3 रात तक इनके पास ठहरे और कहते हैं कि मैं देखना चाहता था कि वो कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि जिनकी वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जन्नती होने की खुशखबरी दी. कहते हैं, मैंने रात को देखा नहीं कि वो क़यामुल लैल के लिए उठे हों, सवाए इसके कि जब आंख खुलती तो बिस्तर पर लेटे लेटे अल्लाह को याद कर लेते और तकबीर पढ़ते, यहाँ तक कि नमाज फजर का वक्त हो जाता. मजीद कहा, सवाए इसके कि मैंने इनको सिर्फ भली बात बोलते हुए सुना, यहाँ तक कि वो उनसे पूछ बैठे, बताइए वो क्या चीज़ है जिसने आपको इस मकाम तक पहुँचा दिया कि प्यारे रसूल ने फरमाया, इन्नहु मिन अहलिल जन्ना. उन्होंने फरमाया कि जो कुछ तुमने देखा इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं करता. और जब वो वहां से जाने लगे तो उनको पुकार कर कहा, हाँ, अन्नी लअजदु फी नफ्सी लअहद मिनल मुस्लिमीन गिशा, कि मैं किसी भी मुसलमान के लिए अपने दिल में कोई कीना कुदूरत बुराई और ग्रजिस नहीं रखता. दूसरी बात, वला अहसदु अहदन अला खैर अताहुल्लाहु इय्याह, ना मैं किसी से इस पर जो उसे अल्लाह ने दिया है हसद करता हूँ. अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस पुकार उठे, हाज हिल्लती बलखता बिक, बस यही है वो कमाल जो कि आपको हासिल है. आइए अपना जायज़ा लें, ये गुजरती हुई ज़िंदगी इस पर नज़र डालें तो यूँ महसूस होता है कि मेरे दामने उम्र में है न जाने कितनी नदामतें, जुल्म ज़्यादती, हुकूकुल इबाद में कमी, लड़ाई झगड़ा, शिकवा शिकायत, गलतियाँ और कोताहियाँ. ससुराल वालों के खिलाफ शिकायात का तवील रजिस्टर, दोस्तों से नाराज़गी, ऑफिस में नचाकी, कारोबार जिससे शुरू किया तो उनसे जो है वो रूठे हुए हैं. किसी ने गाड़ी हिट कर दी तो किसी ने बेटी की तलाक दिलवा दी, और किसी का मिजाज जो है वो ठीक नहीं है और कोई मेरी बात को समझता नहीं है. तो याद रखें, ये एक तवील फहरिस्त है. तो अब क्या करें, इसलिए कि ज़मीन व आसमान की तरह वसी जन्नत उन लोगों का इंतज़ार कर रही है जिनके दिल इतने वसी कि वो दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देने वाले हों. रमदान की मुबारक रातें हैं, आखिरी अशरा. आयशा सदीका रदी अल्लाह ना पूछती हैं, ए अल्लाह के नबी, अगर मुझे लैलतुल कदर मिल जाए तो क्या करूँ, कौन सी दुआ मांगूँ? फरमाया, कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी. मेरे और आपके गुनाहों की माफ़ी ये बहुत बड़ा सौदा है. आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर बहुत बड़ी नेमत है. अल्लाह की शान करीमी उरूज पर है. रहमत और बख्शिश के सारे दरवाजे खुले हुए हैं. कहीं ऐसा ना हो कि सोते रह जाएं, झोलियाँ खाली ही रह जाएं. चारों तरफ खजानों की बारिश है. आइए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, आइए दूसरों के गुनाह जो है वो माफ़ कर दें. तो पहला अमल कि मैं और आप दूसरों को दिल की गहराइयों से माफ़ करें. याद रखिए, ये माफ़ करना जो है आसान नहीं है,
लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और माफ ना करना तो ऐसे है जैसे कि जहर पीना। आइए बहता हुआ पानी बन जाए जो कि पत्थरों से पहाड़ों से गुजरता है और चलता रहता है। तो दूसरों की गलतियां और उनकी जो बातें हैं, उनके जो रवैये हैं, उनको इग्नोर करते हुए बस माफ़ करते चले जाएं। अच्छा, हर रोज़ बिस्तर पर लेटते हुए, हर रोज़ सुबह या शाम ये बात कहनी है कि मैंने आप फलां को या सबको माफ़ कर दिया। ये प्रैक्टिस करनी है, अपनी ज़बान से इन अल्फाज को अदा करना है और दिल से महसूस करना है कि क्या मेरा दिल इसकी सच्चाई को जो है महसूस कर रहा है। और ये तस्लीम करना है कि हम इंसान हैं और गलती कर सकते हैं। मोहब्बत ही नफ़रत में तब्दील हुई है और अब मोहब्बत ही माफ़ी को आसान कर सकती है। और माफ़ कर देने से फ़ायदा क्या होगा? वल आफीना अन्निनास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। और ये नहीं सोचना कि वो डिज़र्व नहीं करते, ये नहीं सोचना कि उसने दिल से माफ़ी नहीं मांगी, ये नहीं सोचना कि उसकी गलतियाँ बहुत बड़ी हैं और फिर लेकिन इतनी ज़्यादती कि सारी ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर सकती, ऐसी बात नहीं। बल्कि अल्लाह की रहमत जो है वो मेरा और आपका इंतज़ार कर रही है। और माफ़ ना करने की कीमत क्या है? गमो गुस्सा, नफ़रत, डिप्रेशन, वरीज, ग्रजिस, फियर्स और ब्रोकन रिलेशनशिप। अगर मैं और आप दर्द को होल्ड करके रखेंगे तो दूसरों को इजाज़त देंगे कि वो हम पर जो है वो कंट्रोल करें। तो मुझे और आपको जो है वो क्या करना है? जो भी ग्रजिज हैं, जो भी वरीज हैं, जो दूसरों के रवैये हैं, जो ज़िंदगी भर जो शिकवे शिकायतें जो हमने अपने दिल और दिमाग के अंदर रखी हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट पेशेंट बन गए हैं और साइकी हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, डोंट लेट अनफॉरगिवनेस कंट्रोल यू। हमें ये जो हमारी चीज़ें हैं इनको इजाज़त नहीं देनी कि वो हमें कंट्रोल करें। हमें क्या करना है? हमें दूसरों को माफ़ करना है ताकि एक नई ज़िंदगी की इब्तदा करें। ताज़ा हवा, फूलों की खुशबू, आज़ादी, कामयाबी, एक नई ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। आइए दूसरों को माफ़ करें। और याद रखिए कि जो माफ़ करते हैं वो वीक नहीं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग। और दूसरी बात, अजर अल्लाह के ज़िम्मा है। जब हम माफ़ करेंगे तो अल्लाह इंशाल्लाह हमें माफ़ करेगा। और तीसरी बात कि जो है वो मुझे और आपको अपने आप को जो है वो प्योरीफाई करना है, ब्यूटीफाई करना है, अपना तज़किया करना है। जब माफ़ करेंगे तो तज़किया होगा और जिसका तज़किया हो गया तो उसने फलाह पा ली। और याद रखें कि दुनिया की हैसियत कुछ भी नहीं। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की बेटी पर जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, प्यारे रसूल की बीवी हज़रत आयशा पर जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, आपने उनको माफ़ कर दिया। तो अब जो है वो आपके हाथ में है कि आपका रवैया क्या है, अब आपकी चॉइस है। और आप जो हैं चाहे तो माफ़ कर दें और जन्नत के ख़रीदार बन जाएं, और चाहे ये ग्रजिज़ अपने अंदर रखें और फिर जो है वो मुनाफ़कत का रवैया रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। मोहब्बत को मेरी पहचान कर दे मेरे मौला, मुझे इंसान कर दे। मोहब्बत, प्यार, रिश्ते, भाईचारा हमारे दिल को मुसलमान कर दे। आमीन।